31 सीटों पर 1000 वोटों से कम का अंतर है, तभी ये हम ऊपर नीचे जाते हुए देख रहे हैं इनको, जो आप लगातार अदिति कह रही हैं कि एक मशीन खुलती होगी एक इलाके की तो लगता होगा वो आगे निकल गए, फिर दूसरी खुली तो वो आगे निकल गए। अभी केवल 4 से 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो अभी लगभग 12 से 13 राउंड की काउंटिंग बाकी है। ये बहुत जल्दबाजी है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो गया है। शुरू से मनोरंजन भारती सुबह से बोल रहे हैं कि T20 का मैच चल रहा है और फाइनल ओवर में कौन छक्का मारेगा और कौन आउट होगा ये देखना होगा। 31 सीटें, 90 में से 31 सीटों में 1000 से कम वोट का अंतर है और एक एक वोट मैटर्स, एक एक वोट पे हार जीत होती है। इसका मतलब ये है कि हर राउंड में बदलाव हो सकता है क्योंकि अंतर इतना कम है। जी, पहला और दूसरे के बीच में अंतर इतना कम है कि हर राउंड के बाद यहाँ बदलाव की। पर संदीप जी, ये तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूँ, और शायद जो एग्जिट पोल्स एनालाइज कर रहे थे कि थंपिंग कांग्रेस की हवा चल रही है हरियाणा के मद्देनजर, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 1000 वोटों का अंतर है 31 सीटों पर, इसका मतलब बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। अंतिम फैसला जो आएगा हरियाणा का, जो भी जीतेगा, ये तो एग्जिट पोल के खिलाफ ही जा रहा है। बिल्कुल, एग्जिट पोल ने कहा था कि कांग्रेस की स्वीप रहेगी, वो यहाँ पे हमें दिख नहीं रही। अंत में कौन जीतेगा वो अलग प्रश्न है, पर जीतने वाले का मार्जिन तो बहुत ही कम होगा, ये रुझान तो साफ दिखा रहे हैं। अदिति, ये जो नतीजे आएंगे, जो भी नतीजे आएंगे, बहुत अहम है, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद जो भी जीतेगा, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, फिर उसके अगले साल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो चुनाव हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर आए हैं केंद्र के लिए, कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अपने रिवाइव की बात कर रही है, केंद्र अपनी सत्ता को और मजबूत करने की बात कर रही है, दावे कर रही है, तो ये जो नतीजे इनको हम हल्के में नहीं ले सकते। नहीं नहीं, कभी किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं ले सकते हैं आप, और हम हमेशा यही कहते हैं कि लोकसभा और असेंबली चुनाव दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों को एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता है क्योंकि हम उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जहां चीज़ें हमको ले जा रही हैं। इस चुनाव में अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इतना कम होता है कि स्थिति डावाडोल हो सकती है, 18 सीटों पर 500 वोटों से कम का अंतर, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 18 सीटें तो हार जीत का एक तरह से कर लेती हैं, 100 से कम, 500 वोटों से भी कम का अंतर। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में अगर मान लीजिए एक सुई की टक्कर है, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में हरियाणा की सरकार बहुत ही डावाडोल स्थिति में होगी।